ऑडिट। ठीक है, तो आपने जो है ना घर जाके एपीआई की और एपीआई इंटीग्रेशन की और देन कैश की और प्रॉमिस खास तौर पे बना के, प्रॉमिस बनाने की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। क्या मतलब, तुमने एक, मैंने इवन ऑड का एग्जांपल दे दिया, एक हो गई। आप बना लो भाई के यूजर का डेटा पूछ लो, अगर यूजर का डेटा सही है तो उस यूजर के डेटा को ऑब्जेक्ट में बना के उसको रिटर्न करा दो प्रॉमिस में। ठीक है, ये हो गया। इस तरह के दो तीन सवाल बना के प्रॉमिस से सॉल्व करना पहले, सही है। अब हम एक नई चीज की तरफ आते हैं, क्योंकि मैं आपको ये इस वजह से कह रहा हूँ ये प्रॉमिस रिटर्न वाला, क्योंकि जब नई चीज पढ़ेंगे ना तो आप बोलोगे हम ये नहीं करेंगे, आसान है वो, सही है। अभी करने लगे हैं, ठीक है। एडवांस जावास्क्रिप्ट ECMAScript 9 का हिस्सा है, ठीक है, सही है। वापस आते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर योर, ठीक है। एक यूजर से प्रॉम्प्ट ले लिया मैंने, ठीक है, और अब सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि कंडीशंस लगानी है इफ एल्स की, ठीक है, जिसमें आपके पास एरर भी ज्यादा आएंगे, एरर ज्यादा आएंगे, तब क्या करना है? ठीक है, एरर हैंडलिंग के लिए जावास्क्रिप्ट ने एक ब्लॉक बनाया है जिसका नाम है ट्राई कैच। देन कैच अलग चीज है, ये ट्राई कैच एक अलग चीज है, ठीक है। ट्राई कैच बनाते हैं, ट्राई लिखा मैंने, ये जो ट्राई है ये जावास्क्रिप्ट का प्योर कीवर्ड है, ठीक है, और इसकी मैंने बॉडी बना दी, ठीक है। सेम वही बात, ये तब चलेगा जब आपकी परफॉर्मेंस सक्सेसफुल रहेगी, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है जी, जब चलेगा, ठीक है। मैं आ गया कैच, ये लेगा पैरामीटर और पैरामीटर में लेगा आपका एक एरर, सही है। मैंने बोला भाई जो भी एरर आ रहा है ना मुझे आप एरर में दिखा दो, सही है। लिखा तो वो एरर दे रहा है कि हाँ कैश भी डिजाइन कर, मतलब हाँ दोनों लाजमी। तभी मैंने आपको, पहले कीवर्ड नहीं बोला, मैंने बोला जावास्क्रिप्ट ने ब्लॉक बनाया ट्राई और कैच का, तभी मैंने ब्लॉक बोला था, वरना ये कैच एक अलग कीवर्ड है, ट्राई एक अलग कीवर्ड है, लेकिन क्योंकि दोनों साथ हैं तो ब्लॉक कहलाएंगे, सही है। तो अब मैंने बोला यहाँ पे एरर और उसके साथ जो भी एरर आ रहा है वो मुझे आप दिखा दो, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एक एरर, ठीक है। मैंने बोला इफ यूजर इनपुट अगर बराबर है अहमद के, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा दो वैलिड नेम के, ठीक है। अब देखो मैं कंडीशन किस तरह लगा रहा हूं, ये तो नॉर्मल है, सही है। एल्स में मैंने बोला एल्स ट्रू, इनवैलिड में मैं अपनी सक्सेसफुल कंडीशन से ही एरर को थ्रो करवा रहा हूं। अब ये जो थ्रो कीवर्ड है ये कब चलता है? जब एरर एग्जीक्यूट होता है, जब एरर आता है। अब इस थ्रो की मदद से ये जो इनवैलिड नेम है ये चला जाएगा इसके पास और इसकी मदद से वो आ जाएगा यहाँ पर। इसको चलाकर देखते हैं, ठीक है। लाइन नंबर याद रखो 56 और 47, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, ठीक है। उसने मेरे से यूजर नेम पूछा AHMED, सही है। लाइन नंबर 47 एग्जीक्यूटेड, ठीक है, रिफ्रेश 56, एरर इनवैलिड नेम, जबकि मैंने एरर तो ये चलाया हुआ है। तो थ्रो कीवर्ड आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जब हम नॉर्मल इफ एल्स से भी काम कर सकते हैं तो थ्रो क्यों यूज करें, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस में जब आपके एरर्स आएंगे ना, जैसे मैंने बोला एल्स इफ दिस,
यूजर इनपुट डबल इक्वल टू एबीसी, ठीक है, तो ये बता दे इनवैलिड नेम, ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं, एल्स इफ कॉपी यूजर इनपुट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, इनकरेक्ट इनकरेक्ट नेम, ठीक है, तो आपकी सारी जो कंसोल थे एरर के वो खत्म हो गए, किसकी मदद से, एक थ्रो के कीवर्ड से, ऑटोमेटिक वो एरर में खुद ही जाते रहेंगे, आइटम जितने भी थ्रो हैं ऑटोमेटिक इधर खुद आते रहेंगे। अब आपको नहीं समझ आया, अभी दोबारा समझाता हूँ, आप सिर्फ देखो 51 में क्या रखा हुआ है, इनवैलिड नेम, सही है, 55 में क्या रखा हुआ है, इनकरेक्ट नेम, ठीक है, और एक एल्स लगा देते हैं, इसमें लगा दिया मैंने थ्रो, इनकरेक्ट डेटा, सही है, इनकरेक्ट नेम, इनवैलिड नेम और इनकरेक्ट डेटा, ठीक है, वापस आते हैं, सेव किया और वापस गए, मैंने लिखा सबसे पहले अहमद, AHMED, सही है, वैलिड नेम आ गया, ठीक है, ABC, ABC, ठीक है, इनवैलिड नेम। अब जब उसको मिला ABC, ठीक है, तो उसने थ्रो किया इनवैलिड नेम, तो थ्रो की मदद से इनवैलिड नेम जो था गया इस एरर के पास, और एरर के साथ यहां पर आ गया इनवैलिड नेम, ठीक है, दोबारा आओ, रिफ्रेश करा और मेरे पास क्या है, XYZ, XYZ इनकरेक्ट नेम, XYZ में थ्रो में क्या क्या रखा हुआ है, इनकरेक्ट नेम, जब उसने बोला कि ये आए तो एरर में फेंक दो इनकरेक्ट नेम, थ्रो की मदद से ये जो मैसेज था ये आपका चला गया 63 में एरर, और वो आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। मल्टीपल एरर जब आपके पास आने वाले हो और आपने मल्टीपल कंसोल्स नहीं दिखाने हो, अभी आप देखो ना हर किस्म का कंसोल मेरा 64 में आ रहा है, तो आपका मल्टीपल कंसोल एरर के लिए भी खत्म कर दिए, किसने, ट्राई कैच ने, बार बार कंसोल लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक थ्रो आपका सारा काम चला देगा। कहां पर, यहाँ वैलिड में, तो वो वैलिड तो सही, एक एक तो सही होगा ना भाई जो आपका होगा, ये तो सर क्या कर सकते हैं, लेकिन इस पे सक्सेस कहाँ दिखाओगे, सही जवाब कहाँ दिखाओगे, एक सही तो दिखाना है ना पहले, कि सही आ गया तो यहां से आगे बढ़ जाओ, गलत आ गए मल्टीपल कंडीशंस, तुमने गलत, अगर तुमने बोला कि इन नेम सही नहीं आ रहा तो ये थ्रो करो, ईमेल सही नहीं आ रहा तो ये थ्रो करो, जब आप यूजर साइन अप फॉर्म बनाओगे तो उसमें थ्रो से काम करना, सारा काम आपका हो। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं वैलिडेशन करता इसी से हूँ, ठीक है, आप कुछ और लिख के देखते हैं, तो हमारे पास इनवैलिड डेटा आना चाहिए, ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है, मल्टीपल लाइंस के एरर्स आपके एक थ्रो से सारे हैंडल हो गए हैं, हाँ एरर हैंडलिंग नहीं हो रही इससे जबरदस्त, सिर्फ इसी के साथ यूज करेंगे, ये है इसके लिए, सही है, ठीक है, अब वापस आते हैं, आज का लास्ट काम करते हैं, उसको थोड़ा सा गौर से समझना, वो बहुत, ये हाँ बहुत मजे का है, ठीक है, आगे जाके चीजें मजे की ही हैं और आसान है, लेकिन फिर भी आपकी लॉजिक्स खुलने जाएंगी, वो खुलेंगे तो आपका काम होगा, ठीक है, तो ट्राई कैच क्लियर है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है, इसको आप रिफ्रेश कमेंट करते हैं और नीचे आ जाते हैं, मैंने बनाया कॉन्स्ट एपीआई कॉल इक्वल टू दिस, एपीआई कॉल और इसके अंदर मैंने बनाया एक ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच आ गया मेरा यहाँ से, और यहां पर मैंने लिख दिया एरर इन एपीआई इंटीग्रेशन, सही है, कॉमा एरर नॉट दिस, जितने भी एरर आएंगे वो यहाँ फिट हो जाएंगे, ठीक, अब मैं आता हूँ किस पे, लेट
एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग एपीआई यूआरएल। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं और अपने फोटोज वाले को नहीं, जो कम होंगे हम उसी को उठाएंगे। यूजर्स, यूजर्स को उठा लेते हैं, इसको मैंने कॉपी करा, इसको मैंने यहाँ पे पुट करा, एपीआई यूआरएल सेव, वापस आओ, रिफ्रेश, एपीआई यूआरएल आया, लाइन नंबर 72 प्रॉपर वर्किंग, सही है। ओके, मुझे अब बताओ, कोई बताना चाहे कि एपीआई इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कोड लिखना है आगे? पैच लगाएंगे और फेच के अंदर क्या पास करेंगे? एपीआई यूआरएल। ठीक है, हाँ पहले देख तो लें उसमें आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, करना आ गया वो काम, आपने लाजमी उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, हम वो नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, हम आते हैं मजीद एडवांस तरीके से, मजीद एडवांस तरीके से। ठीक है, मैंने लिखा लेट एपीआई रेस्ट, या चलो एपीआई रेस्ट भी नहीं, ओनली रेस्ट स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, एपीआई का कोई भी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू फेच, और यहां पर मैंने पास कर दिया एपीआई यूआरएल कंसोल डॉट लॉग रेस्ट। चलो भाई, बड़ा आसान काम नहीं था, बट ट्राई कैच के अंदर एक वेरिएबल में लिखना था और काम हो गया। चलाकर देखते हैं क्या होता है, कोई ना कोई बम तो फूटेगा। सेव किया, रिफ्रेश करा, बोल रहा है आपका पहला प्रॉमिस ही पेंडिंग पर है, आपने कुछ हिट तो करा है लेकिन ना रुकवाया ना बताया। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल अभी नहीं करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ। लाइन बाय लाइन चल रही है, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड, सिंक्रोनस इज कॉल्ड सिंगल थ्रेडेड। ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन पर आई, उसने बोला टाइमर लगा हुआ, 4 सेकंड बाद चलना नीचे उतर जाता हूँ, 2 सेकंड बाद चलना नीचे उतर गया, कुछ मिला, ठीक है, और नीचे उतर गए। फिर जब टाइमर कंप्लीट हुए, उसने दिखाया दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, मैंने बोला ये जो फंक्शन चलेगा यकीनन ये एक एपीआई कॉल करेगा, तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन चलेगा, क्यों? क्योंकि पेंडिंग आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, तो एसिंक्रोनस हो गया। मैंने यहां पर एक कीवर्ड लगा दिया एसिंक। ठीक है, अब जब एसिंक मैंने लगा दिया तो उसको क्यों लगेगा, उसका रीजन बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपका सवाल जब आएगा ना जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट के लिए कि एसिंक क्यों लगाएं, बोला जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा ही नहीं एपीआई के लिए, जब वो आपको पहले ही पेंडिंग बोल देगा, तो आपने उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसके लिए आपको रुकना है। ठीक है, अब एसिंक, तो आप एसिंक ने, एसिंक को आपने बता दिया कि इस फंक्शन के लिए रुकना है, अब आपको बताना होगा किसके लिए रुकना है। ठीक है, जब आप बताओगे ना कि इसके लिए रुकना है, मैंने बोला इसके लिए रुकना है, तो आपने उसके लगा आगे लगाना है अवेट। सही है, एसिंक कहां लगेगा, ये मेन सवाल है इंटरव्यू का, अवेट कहां लगेगा, क्यों लगेगा, इंटरव्यू का मेन सवाल है, किस फंक्शन में एपीआई इन्वोक हो रही है, वहां आपने लगाना है एसिंक्रोनस, बिकॉज ऑफ एपीआई इंटीग्रेशन होने में टाइम लगता है, और कहां पर लगाना है, किसके लिए लगाना है, तो वहां पर आपको लगाना है अवेट, जो कि हमने लगाया है ये। सही है, अब यहां पर जाकर देखते हैं हमें रेस्ट में क्या मिल रहा है। सेव किया, रिफ्रेश करा, एटलीस्ट हमारे पास वो वाला रिस्पॉन्स तो आ गया कि भाई रीडेबल स्ट्रीम में आपके पास डेटा आ चुका है, लेकिन डेटा आपके पास जेसन में नहीं है। एक डैन से बच गए और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से भी बच गए। सही है, वापस आते हैं, मैंने बोला वो भी करा के देख लेते हैं, लेट डेटा इन जेसन इज इक्वल टू रेस डॉट जेसन। ठीक है, डेटा इन जेसन, सही है, कौन कौन भाई बोल रहा है कि यहाँ पे काम करेगा, हो जाएगा, पेंडिंग आएगा,
पेंडिंग वाले कौन कौन है, वो हाथ उठा लें। एक पेंडिंग वाला है, सारे बाकी सारे कंफ्यूज वाले हैं। सारे हो जाए, आप क्या कहते हो जाएगा? सेव किया, एक पेंडिंग वाला भाई है। ठीक है, मैं पेंडिंग वाले भाई के साथ हूँ, इसको समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि आपने जब जेसन में कन्वर्ट करने के लिए नया देन बनाया था, तो यहाँ पर भी आपको उसके लिए अवेट कराना होगा कि भाई यहाँ भी अवेट लगाओ। सही है, तो अब जब मैं सेव करवाया, रिफ्रेश कराया, डेटा आ गया। एक एसिंक सिर्फ एक दफा यूज होगा, सिर्फ किस लिए? आपने सिर्फ फंक्शन को बता दिया, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एसिंक्रोनस फंक्शन, बस। अब अवेट कहाँ लगेगा, किसके लिए? मैंने बोला ये लाइन वेट लेगी, आपको आपने बोला ये लाइन वेट लगी, इसके आगे वेट लगा देते हैं। अब ये लाइन है, ये भी वेट करेगी, इसके आगे वेट लगा दो। जहां जहां अवेट लगेगा, इसका मतलब है आपने बता दिया इसके लिए वेट करना है। एसिंक हमेशा एक दफा लगेगा, वो क्या करेगा? सिर्फ आपने अपने फंक्शन को समझा दिया, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन मतलब जब आपके पास रेंडरिंग हो रही हो, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना, सिंक्रोनस चलेगी सिंक्रोनस ही, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही सिंक्रोनस है। आपने एसिंक्रोनस कोड लगाना पड़ता है, एसिंक निकला ही एसिंक्रोनस से है, अवेट उसके लिए कि किसके लिए वेट करना है। तो यहां मैंने एक बताया, यहां मैंने दूसरा बताया, आपका सारा देन कैच का काम खत्म कर दिया, बेकार नहीं है? हाँ लॉजिकली, हाँ ये सवाल है, अच्छा सवाल है, और ये पता होना चाहिए, काम करते करते आ जाएगा। हमेशा आपके पास जो है ना एपीआई अगर सही बनी हुई होगी, तो वैसे तो एरर्स आएंगे नहीं। हाँ ये आ सकते हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, ये जो आ रहा है रेस्ट, सेव किया, ये वाला डेटा आपको डिफरेंट दिख सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ एपीआई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई होती हैं, पीएचपी पे बनी हुई होती है, नोड पे होती हैं। हाँ हमारे स्टेटस देखना, ओके ट्रू और स्टेटस 200। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये मेरी वाली है, मेरी वाली है, इसको भी एक दफा चला के देख लेते हैं। कॉपी किया, सही है, और इसको यहाँ से हटाते हैं। अब अरे तो देन लगाना पड़ेगा, सही है, और वो आना जरूरी है, वो आना जरूरी है। अगर वो नहीं आता तो आप फंस जाओगे, गारंटी इंटरव्यू में फंस जाओगे। वो आपसे सिंपल सिंपल बोलेंगे प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस रिजॉल्व क्या होता है, प्रॉमिस रिजेक्ट क्या होता है। हाँ आज वो भी वर्क करेगा, ट्राई में देन वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देन कैच को रिप्लेस कौन कर रहा है? एसिंक अवेट। ट्राई कैच एक अलग चीज है, देन कैच एक अलग चीज है, सही है, वो भी लगा के देखते हैं। ठीक है चलो, अब मैंने, अब मेरी बात, चल एक काम करता हूँ, एक और इस फंक्शन को जो है ना कमेंट कर देता हूँ, एक नीचे बना लेता हूँ, ताकि आपका काम सेव रहे। ठीक है, यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ, कॉपी किया इसको और यहाँ पर पेस्ट किया, एसिंक हटा देते हैं। सही है, ये इस तरह का एसिंक्रोनस नहीं है। और अब देखा अवेट मसला कर रहा है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड रिटर्न एसिंक फंक्शंस, वहीं पे रोक दिया इसने, क्योंकि ये हमेशा उसके बाद ही चलेगा जब उसका पता हो फंक्शन एसिंक्रोनस है। सही है, यहां से हम इसको हटा देते हैं। सही है, फेच एपीआई यूआरएल, ठीक है, डॉट देन रेस कंसोल डॉट लॉग रेस। अब यहां पर एक मजे की चीज है, यहां कैच लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैच एरर में चला जाएगा। जब ट्राई कैच लगा हुआ है, तो देन के साथ कैच की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो कैच में चला जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और चलाकर देखते हैं। सही है, वो मेरे को बता रहा है सक्सेसफुली काम हो चुका है, डेटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, मैंने बोला भाई जो भी आ रहा है आप उसको करा दो, रिटर्न रेस डॉट जिस। सही है, उसको फिर कॉल कर दिया और फिर नीचे डॉट देन।
कंसोल डॉट लॉग डेटा, लाइन नंबर 98, लाइन नंबर 103। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, आपके पास सक्सेस ट्रू, एरे में डेटा 6, हर किसी के अंदर आपका मेरा वाला डेटा, आपने एपीआई कॉल करवा ली, और ट्राई कैच के अंदर आपने प्रॉमिस वाला एपीआई रिटर्न करवा लिया। सब कुछ जो उधर चल रहा था बगैर ट्राई कैच के, वो इधर भी चल रहा है, एसिंक अवेट फ्रॉम प्रॉपर चल रहा है। एसिंक क्या करता है, अवेट क्या करता है, ये आपको पता है। प्रॉमिस कैसे बनता है, प्रॉमिस रिटर्न कैसे हो रहा है, एपीआई प्रॉमिस क्या रिटर्न कर रही है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट एडवांस फीचर थी जावास्क्रिप्ट की, और ये पता होना चाहिए, ये काम करना आना चाहिए। मार्केट में आधे से ज्यादा काम सिर्फ इसी चीज का है। हाँ, एक किस्म की कुछ छोटे मोटी चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आपने क्यूरीज लिख के लानी है भाई। ये नहीं समझ में आ रहा है, लूप में यहाँ फंसे हुए हैं, एरे में यहाँ फंसे हुए हैं, क्लासेस समझ में नहीं आ रही, जो वो वाली जावास्क्रिप्ट की क्लास है, हाँ वो करवा दूंगा। स्विच स्टेटमेंट ही पढ़ाई ना, स्विच स्टेटमेंट है, वाइल लूप है, हाँ एड इवेंट लिस्टनर है, और टू डू का मैं एक खास फीचर भी करवाऊंगा, वो फिर आपने, क्योंकि असाइनमेंट तो नेक्स्ट वीक जमा कराने ना उससे अगले, तो वो फिर आप उसमें लगा देना। आपने क्या करना है, इनपुट पे डाली फील्ड, एंटर मारो रेंडर हो जाए। हाँ, सर ये चीज़ एंटर मारो रेंडर हो जाए। वो हाँ हाँ ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कर लिया था, ठीक है। चलो इनफ है, सही है।